अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। रिम्स में लालू यादव की सुरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मी आपस में भिड़ गए। शराब के नशे में धौत पुलिसकर्मियों ने रिम्स परिसर में ही एक दूसरे के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में एक सिपाही का हाथ टूट गया, जिसको इलाज के लिए रिम्स में ही भर्ती करवाया गया है। मारपीट में घायल सुरक्षाकर्मी देवेंद्र सिंह ने बताया कि सुरक्षाकर्मी विनय झा शराब के नशे में उसकी बेल्ट से पिटाई करने लगा, जिसके कारण उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। ड्यूटी खत्म हो गया था। तो हो क्या गया? कौन सा गप पे हो गया? कौन सा गप पे हो गया? गप पर मेरा जैसे मोबाइल रख लिया था, पूरा रख था मोबाइल, मेरा मोबाइल तो आजकल मैच चल रहा है। हाँ, तो बोले कि बाबा अब टाइम हो गया, अब चले कि चाहे छुट्टी है, तो कैरी लिवर साहब आ गया तो नहीं देर लगा था मोबाइल लेके चल दिए। अब अगर पीछे पीछे आके आगे बढ़े तो भाई का डायरेक्ट बेल्ट खोल लेते चलाया, इसे रोके तब वाला से लगा हुआ लगे हैं उससे। हाँ, इसके बाद दौड़ दौड़ हम घुस गए वहाँ अंदर, अंदर घुसने लगे तो हमारा दौड़ के चला के इससे मारा है, हेडों से मारा है। जहाँ एक बार आप लोग नहीं गिरल थे उसमें हम नहीं पीछे हटते थे, मेरा फूट जाता। अगर हम नहीं अच्छा की करते हम तो हवलदार थे, जाने के जैसे कुछ करेंगे तो हमारा नौकरी चल जाएगा। अपना बचते बचते हम किनारे अपना गार्ड प्रभारी का रुतबा किए हैं, हमारे कप्तान वरीय पुलिस अधीक्षक अनिश गुप्ता सर हैं। इलाज के बाद मैं उनके पास जाऊँगा, कहा कि जिला का मालिक एसपी हम लोग को मारे बाप के बराबर। फिलहाल इस मामले में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वहीं घटना के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या शराबी पुलिसकर्मियों के भरोसे हाई प्रोफाइल कैदी लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा निर्भर है। रांची से न्यूज के लिए चंदन की रिपोर्ट।